वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। गाड़ी है हमारे पास स्विफ्ट डिज़ायर 2013-14 मॉडल। और फ्रेंड्स ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो फ्रेंड्स मीटर में देख सकते हो आप सारी लाइटें ओके हैं, सारी लाइटें ओके हैं, फिर भी गाड़ी ये स्टार्ट नहीं हो रही है। तो दिखाने वाले हैं गाड़ी में प्रॉब्लम कहाँ पर है और प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं। और इसमें आप देख सकते हो सिक्योरिटी की लाइट जो है आगे चली जाती है, तो हमारी जो वायरिंग है वायरिंग ओके है, तो प्रॉब्लम इसमें कहीं और है। तो गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये गाड़ी चाबी से सेल्फ नहीं ले रही है, ये चाबी से सेल्फ गाड़ी नहीं ले रही है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है ये गाड़ी से चाबी सेल्फ क्यों नहीं ले रही है गाड़ी। तो इसके अंदर जो होता है, अंदर की साइड जो होता है इसमें फ्यूज बॉक्स फ्यूज होता है और बाहरी साइड इसमें रिले होती है। तो सबसे पहले रिले में चल के देख चेक करते हैं सप्लाई इसमें रिले में आ रही है या नहीं आ रही है। तो इंजन में चलते हैं। तो फ्रेंड्स इंजन में आ चुके हैं और इंजन की कंडीशन आप देख सकते हो। तो इसका जो कवर है, ये कवर को हमें बाहर निकालना है। और इसमें जो रिले होती है स्टार्टर वाली, स्टार्टर की जो रिले होती है इसमें, ये दूसरे नंबर की रिले होती है स्टार्टर वाली। तो रिले को बाहर निकालते हैं और उसमें सप्लाई चेक करते हैं। तो ये रिले बाहर आ चुकी है, अब इसमें सप्लाई चेक करेंगे। तो अभी इसमें कोई सप्लाई नहीं है, तो दूसरे वायर में सप्लाई है। और एक वायर जो है इसमें, एक वायर इसमें ग्राउंड का होता है और एक वायर जो होता है स्टार्टर का होता है, मतलब जो चाबी से करंट आता है। तो एक इसमें लगा लिया है, अब दूसरे वायर में चेक करते हैं। तो इसमें सप्लाई नहीं आ रही है और इसमें 12 वोल्ट सप्लाई आ रही है, मतलब ये साइड का जो वायर है हमारा इसमें चाबी ऑन सेल्फ मारने पे सप्लाई आना चाहिए। सेल्फ मारो जाके। लगाओ। तो फ्रेंड इसमें सप्लाई नहीं आ रही है, लगाओ फिर से। लगाओ। तो फ्रेंड इसमें सप्लाई नहीं आ रही है। तो अब अंदर वाले फ्यूज चेक करते हैं, क्योंकि जो सप्लाई होती है इसमें अंदर चाबी से नीचे जो फ्यूज बॉक्स होता है उसी से सप्लाई आती है। तो फ्रेंड्स का जो फ्यूज बॉक्स होता है अंदर के साइड में होता है। तो फ्रेंड्स ये रहा फ्यूज बॉक्स का, तो इस फ्यूज बॉक्स को बाहर निकालते हैं। और इसमें आप देख सकते हो फ्रेंड्स इसमें जो फ्यूज लगा है स्टार्टर ST सिग्नल, स्टार्टर सिग्नल 7.5 एम्पियर का फ्यूज इसमें लगा है, पहला दूसरा तीसरा। तो अब इस फ्यूज में सप्लाई चेक करेंगे तो देखेंगे इसमें सेल्फ मारने पर इस पर सप्लाई आने चाहिए बराबर। तो इसमें अभी सप्लाई नहीं आ रही है और इस साइड भी सप्लाई नहीं आ रही है। तो सेल्फ मारो मारो। तो फ्रेंड्स में देख सकते हो एक साइड सप्लाई आ रही है, रुको तो दूसरी साइड लगाते हैं। लगा। तो दूसरी साइड फ्रेंड्स में देख सकते हो आप इसमें सप्लाई नहीं आ रही है और इस साइड सप्लाई इसमें आ रही है। तो मतलब ये जो फ्यूज है हमारा, ये फ्यूज इसका उड़ा हुआ है। तो फ्यूज को बाहर निकालते हैं। तो फ्रेंड्स ये फ्यूज बाहर आ चुका है, ये फ्यूज आ चुका है, ये फ्यूज उड़ा है। तो फ्यूज को चेंज करेंगे, उसके बाद में देखेंगे गाड़ी हमारी सेल्फ लेती है या नहीं लेती है। तो फ्रेंड्स नया फ्यूज आ चुका है और ये रहा हमारा पुराना फ्यूज। तो फ्यूज को चेंज करते हैं। तो अब इसमें सप्लाई चेक करेंगे फ्यूज को चेंज करने के बाद में। तो अब इसमें इस साइड सप्लाई चेक करते हैं हमारा सेल्फ बस। तो फ्रेंड्स में सप्लाई आ गई और गाड़ी सेल्फ लेने लगी। तो इस गाड़ी सेल्फ हमारी लेने लगी है और गाड़ी अब स्टार्ट करते हैं गाड़ी को। तो फ्रेंड्स देख सकते हो इसमें RPM उठ रहा है मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। फिर से लगाते हैं। तो फ्रेंड्स ये उठ रही है मगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो अब हमें चलना है आगे, चल के देखते हैं गाड़ी में डीजल जो आने चाहिए डीजल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आगे डीजल चेक करते हैं और गाड़ी को आज पूरा मैनुअल करने वाले हैं, बताओ स्कैनर गाड़ी को चेक करेंगे। तो डीजल के लिए हमें उसका ये जो कवर है ये कवर खोलना पड़ेगा और रिले जो है हमारी इसमें लगी हुई है, तो कवर को निकालो बाहर।
तो फ्रेंड्स कवर हमारा खुल चुका है और ये रहा डीजल की पाइपलाइन। तो इस डीजल पाइपलाइन को बाहर निकालते हैं, ये बाहर आ चुकी है। तो चाबी बंद कर खोलो, चाबी बंद कर खोलो। तो फ्रेंड्स इसमें डीजल नहीं आया, मेरा डीजल नहीं आया, तो इसी कारण से जो है गाड़ी हमारी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो अब हम चलेंगे गाड़ी के पीछे की साइड, देखेंगे इसमें डीजल टैंक की मोटर में सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। अगर सप्लाई आई तो टैंक खोलेंगे, और सप्लाई नहीं आई तो आगे वायरिंग चेक करेंगे। तो ले आओ टेस्टर दिखाओ। तो इसके सीट कवर जो है इसको बाहर निकाल देते हैं, और इसमें ये रही इसकी पीछे वायरिंग। इसमें ये जो ऑरेंज कलर का जो वायर होता है इसमें 12 वोल्ट सप्लाई आनी चाहिए। तो ले आओ टेस्टर दिखाओ। तो ये रहा टेस्टर, तो इसको अंदर पिन को लगा दिया, ये पूरी पिन अंदर घुसण दी है इसमें। तो अब चाबी बंद कर खोलो। तो फ्रेंड देख सकते हो आप इसमें सप्लाई नहीं आ रही है, तो हमें आगे की साइड ही चलना पड़ेगा क्योंकि वायरिंग में प्रॉब्लम है इसके। तो आगे चलते हैं इंजन में। तो ये इंजन में आ चुके हैं, और इसकी जो फ्यूल टैंक की जो मोटर होती है, तो मोटर की जो रिले होती है वो ये रही। तो ये रिले को बाहर निकालते हैं। तो ये रिले बाहर आ चुकी है, और अब इसमें सप्लाई चेक करेंगे। तो इसमें दो पिनों में सप्लाई आनी चाहिए। तो एक पिन में इसमें सप्लाई आ रही है, और दूसरी भी पिन में सप्लाई आ रही है। तीसरा वायर जो है हमारा मोटर का है, तो चौथी पिन जो है इस पर ग्राउंड आना चाहिए। तो ये वाले वायर को अपने क्लिप को मैन वाले पॉजिटिव वाले पे रखना है। तो चाबी बंद कर खुलवाते हैं, चाबी बंद कर खोलो। खोल ली। तो फ्रेंड्स इसमें देख सकते हो आप ये नहीं आ रही है, और फ्रेंड्स ये गाड़ी साइड में बंद हुई थी, तो इसको हम बाईपास करके लेके आए हैं। तो दिखाते हैं किस तरीके से बाईपास करके गाड़ी को लेके आए हैं, और जो इसमें प्रॉब्लम है रिले में ग्राउंड की प्रॉब्लम है। जो ECM से ग्राउंड आता है वो ग्राउंड नहीं आ रहा है। तो स्टार्टर रिले और फ्यूल पम्प रिले दोनों रिले को बाहर निकालते हैं। तो ये दोनों रिले बाहर आ गई हैं, और उनको दिखाते हैं गाड़ी को बाईपास करके कैसे लेके आए हैं गैरेज पे। तो स्टार्ट करके दिखाते हैं गाड़ी इसी कंडीशन पे। तो फ्रेंड्स एमरजेंसी में कहीं गाड़ी बंद हो जाती है, तो एमरजेंसी के लिए दो जम्पर बनाना है इसमें। ये मैंने दो जम्पर इसके बना लिए हैं। मान लो हमारी रिले ख़राब हो जाए या वायरिंग ख़राब हो जाए, तो उसको बाईपास कैसे करेंगे। तो ये रही हमारी पहली जो रिले थी, ये फ्यूल पंप की थी। तो फ्यूल पंप हमारा डायरेक्ट हो चुका है, और ये दूसरे नंबर की जो रिले है ये हमारे स्टार्टर की है। तो फ्रेंड्स देख सकते हो गाड़ी हमारी स्टार्ट हो चुकी है, ये गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। और फ्यूल पंप की जो रिले है मैंने इसको बाईपास किया है, और ये स्टार्टर रिले को भी बाईपास करके गाड़ी को स्टार्ट करा है। तो गाड़ी हमारी स्टार्ट हो चुकी है, तो ऐसा काम गैरेज तक लाने के लिए ही करना है। गाड़ी को बंद करो, और गैरेज पे आने के बाद में काम जो इसमें ओरिजिनल होता है उसी तरीके से काम करना है। तो इसमें फ्रेंड्स ग्राउंड की प्रॉब्लम है, तो इसके लिए इसकी मेन लाइट खुलवाने वाले हैं, और इसका जो फ्यूज बॉक्स है फ्यूज बॉक्स खुलवाने वाले हैं। देखने वाले हैं गाड़ी में वायरिंग में प्रॉब्लम कहाँ पे है, तो फ्यूज बॉक्स गाड़ी का खुलवाते हैं बाहर। तो फ्रेंड्स फ्यूज बॉक्स था गाड़ी का बाहर आ चुका है, और इसकी सारी वायरिंग मैंने चेक कर ली है, सारी वायरिंग इसकी ओके है। और जो यहाँ से फ्यूल पंप की जो रिले से ग्राउंड निकलता है वो ग्राउंड कंप्लीट यहाँ पे ECM तक आ रहा है, मतलब वायरिंग जो इसकी है ओके है। तो ECM के अंदर से इसमें से ग्राउंड नहीं निकल रहा है। और ये रहा ECM गाड़ी का, ये गाड़ी का ECM रहा, और जो प्रॉब्लम जो है गाड़ी के ECM में है। तो ECM को चेंज करने वाले हैं, क्योंकि वायरिंग हमारी ओके है, सारे फ्यूज रिले वायरिंग सारी ओके है, तो वायरिंग में फॉल्ट नहीं मिला है। और मेन जो प्रॉब्लम है इसकी ECM में, तो ECM को चेंज करते हैं, देखते हैं उसके बाद हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं होती है। तो ECM को चेंज करते हैं। खोला ECM, बाहर निकाल। तो ये रहा गाड़ी का ECM, बड़ा ECM वाला। तो ये रहा ECM, तो ECM को चेंज करते हैं, और ये रहा हमारा सेकेंड हैंड दूसरा ECM। तो इस ECM को साइड में करते हैं, और ये वाला रहा ECM।
ये ई सी एम रात ई सी एम को लगा के देखते हैं हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं होती है। लगा चेंज करो पलटो। तो फ्रेंड दूसरा ई सी एम लग चुका है गाड़ी में, दूसरा ई सी एम लग चुका है और जो ग्राउंड जो है हमारा इसमें लगा है, तो अभी इसमें ग्राउंड नहीं आ रहा था तो चाबी ऑन करते हैं। करो चाबी ऑन, चाबी ऑन करो। तो फ्रेंड देख सकते हो आप इसमें ग्राउंड आ चुका है। बंद करो चाबी, फिर चालू करो। तो फ्रेंड देख सकते हो आप इसमें ग्राउंड आ चुका है, ग्राउंड इसमें आ चुका है। तो अंदर चल के मीटर की कंडीशन दिखाते हैं। मीटर पे इस पर जो सिक्योरिटी लाइट है वो फ्लैश कर रही होगी और इसे हमने चेंज कर दिया। ये रहा गाड़ी का ईसीएम और ये रहा सेकंड हैंड ईसीएम। तो ये ग्राउंड भी हमारा प्रॉपर आ रहा है, तो इसको बाहर निकालते हैं टेस्टर को और रिले को इसमें लगा देते हैं। तो ये रिले लग चुकी है और ये जो पाइप होता है, चाबी बंद कर खोलो, ये अभी दबा है पाइप जो ऊपर आ जाएगा पाइप। तो फ्रेंड्स ये पाइप ऊपर आ चुका है, जैसे इसको नीचे दाब रहे हैं तो ऊपर आ रहा है ये पाइप, मतलब हमारी जो मोटर है टैंक से डीजल दे रही है। तो चलते हैं गाड़ी के मीटर पे। तो फ्रेंड्स मीटर पे आ चुके हैं और आप देख सकते हो मीटर में जैसे सिक्योरिटी लाइट इसकी फ्लैश कर रही है क्योंकि अभी गाड़ी ये स्टार्ट नहीं होगी। तो इसी हमको प्रोग्राम करते हैं, उसके बाद में गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं। अभी इसमें ये लाइट फ्लैश कर रही है। तो प्रोग्राम सक्सेस हो चुका है, उसमें एक की इसने दिखा दिया है। तो अभी मीटर पे सिक्योरिटी लाइट फ्लैश कर रही है, तो चाबी को ऑफ करते हैं। चाबी ऑफ करके चाबी बाहर और अब चाबी को लगाते हैं। तो ये चाबी आई चली गई, तो स्कैनर को बाहर निकालते हैं। तो फ्रेंड्स सिक्योरिटी लाइट हमारी रुक चुकी है, तो इंजन में चलते हैं। अभी इसकी आप फिटिंग देख सकते हो, पूरी फिटिंग खुली पड़ी हुई है और बैटरी भी इसमें नहीं लगी है, इसमें पतले वायर लगे हुए हैं दो। तो पूरी फिटिंग इसकी कंप्लीट कराते हैं, उसके बाद वो गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं। तो सबसे पहले फिटिंग कराते हैं गाड़ी की। तो फ्रेंड्स फिटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हो फिटिंग पूरी कंप्लीट कर दी है। तो अब गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं। तो ये रहा हमारा मीटर, चाबी ऑन करते हैं। तो फ्रेंड्स सारी लाइटें मीटर पे आ चुकी हैं और जो चाबी की जो लाइट थी फ्लैश कर रही थी वो लाइट जा चुकी है। तो गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स गाड़ी हमारी स्टार्ट हो चुकी है और गाड़ी में जो प्रॉब्लम थी इसका ईसीएम फॉल्टी था और गाड़ी हमारी स्टार्ट है। तो इंजन से दिखाते हैं, गाड़ी हमारी स्टार्ट हो चुकी है फ्रेंड्स और काम भी हमारा हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।